बात यूएसए की करें अगर, ये तो हमेशा के लिए एक अच्छी प्रायोरिटी लिस्ट में रहता है कि हम यूएसए जाएं, वहाँ पर सेटल हो जाएं। तो आज हम ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कमिंग इनटेक्स को लेकर, अच्छी ऑप्शंस और किस तरह की प्रोफाइल्स के लिए गोल्डन चांस है ताकि आप आगे बढ़ें सही प्रोसेस के साथ, क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है, उसकी तैयारी किस तरह से आपको करनी चाहिए ताकि आपका प्रोसेस क्लियर हो, इंटरव्यू आप क्लियर कर सकें और आपको यूएस का वीज़ा मिल सके। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ये सारी जानकारी आज आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार। तो मैम आज बात यूएसए की कर रहे हैं तो मैं जरूर पहले तो चाहूंगी कि ए टू जेड अगर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन को लेकर, कमिंग इनटेक्स को लेकर, तो कौन कौन से खास पॉइंट्स हैं जो इस इन्फॉर्मेशन में शामिल जरूर होने चाहिए और स्टूडेंट्स को जरूर पता होने चाहिए? हाँ, जो देखिए जो कमिंग इनटेक्स हैं, अब जैसे हर किसी को पता है कैनेडा और यूएसए में का जो होता है वो एक छोटा इनटेक होता है जी। और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो में इनटेक देते हैं, ज़्यादातर उसमें बिजनेस कोर्सेज मिल जाते हैं और कुछ और कोर्सेज बिजनेस के भी मिल जाएंगे आपको, या बिजनेस में आगे ब्रांचेज आ जाती हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, उनके कोर्सेज मिल सकते हैं। साइंस के बहुत कम कोर्सेज मिलेंगे, ज़्यादातर कोर्सेज मिलेंगे सितंबर में अगर आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए। यूएस में यूनिवर्सिटीज़ आपको अगर बहुत अच्छी है तो आपके वीज़ा चांसेस मतलब अच्छे रहते हैं। अगर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस मतलब लेवल बहुत अच्छा है, आई कॉन्टेक्ट से बात कर सकता है वीज़ा ऑफिसर से, और आपने थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है स्टूडेंट को, आपने अगर अभी अप्लाई करते हो तो आपको मार्च तक अच्छी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी डेडलाइन निकल जाती है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टूडेंट को उनके हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है। जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने जो आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छा बनाया है एंड आपका अगर उनकी तरफ से आइल्स रिक्वायरमेंट या टोफल है वो किया हुआ है, आपने जीआरई जीमैट अगर कुछ किया हुआ है, वैसे जो एवरेज यूनिवर्सिटी का वो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम हाई एंड यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनका अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो अगर किया हुआ तो आपको स्कॉलरशिप 100% तक भी मिलती है। ये सारा मकसद जो होता है इतना काम करने का वो ये है कि बच्चा कितना अच्छा, कितनी अच्छी रिसर्च की है, मतलब कितना इंटेलिजेंट ब्रेन है जो कि वो कंट्री अपने पास बुलाना चाहती है, और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम आपकी फ़ीस वेवर करते हैं, आपका स्कॉलरशिप 100% देते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया इवन लिविंग एक्सपेंसेस भी यूनिवर्सिटीज़ ने पे किए हैं, तो इतनी बड़ी ग्रांट्स मिलती हैं यूनिवर्सिटीज़ को अच्छे बच्चों के लिए, जिसको हम ब्रेन ड्रेन भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ से जा रहे हैं लोग, तो वो स्टूडेंट एक अच्छी कैटेगरी का स्टूडेंट जब बहुत अच्छे से तैयारी करके जाता है तो उसका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है। अब मैं एवरेज स्टूडेंट की अगर बात करती हूँ तो एवरेज स्टूडेंट भी अगर उसमें कॉन्फिडेंस है, यूनिवर्सिटी अच्छी सेलेक्ट की हुई है, तो उसका वीज़ा रिजेक्शन चांसेस नहीं होते। और कभी भी एक यूनिवर्सिटी में ना अप्लाई करें, मैक्सिमम टाइम वीज़ा ऑफिसर आपसे ये पूछता है कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ में I-20 आपने अप्लाई की है, इन हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ यू अप्लाइड योर I-20, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाँ, एडमिशन प्रोसेस का जो सिस्टम रहता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आने के बाद, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको एक ऑफर लेटर आता है जिसमें ये बोला जाता है इतने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। मान लीजिए अगर बच्चे की वेवर हो गई है ट्यूशन फीस, तो लिविंग एक्सपेंसेस शो करना है, या 50% फी वेवर हुई है तो उसको 50% शो करनी है, तो 15 लाख हो सकते हैं, 20-25 लाख, डिपेंड करता है उसको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली। लेकिन ये नहीं है कि आप कोई बहुत 3 महीने पुराने 2 महीने पुराने, आप 4 दिन पहले डाल के भी स्टेटमेंट दे सकते हो एंड आप अपना उसके बाद आपको I-20 आ जाती है। I-20 आने के बाद सर्विस फीस पे करी जाती है स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर, जो कि $350 होती है। उसके बाद यू कैन टेक द अपॉइंटमेंट फॉर वीज़ा।
तो अब आप ये देखिए जो कोर्सेज हम प्रेफर करते हैं यूएस में, ऑलवेज जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई अभी तक कि स्टेम कोर्सेज में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ सबसे ज़्यादा बच्चा जो है 78% स्टूडेंट आईटी के कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं। आईटी में अब साइबर सिक्योरिटी आ गया, डेटा एनालिटिक आ गया, एंड आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हो गए। अदरवाइज मास्टर इन आईटी, मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो अब आपका इसमें मतलब आईटी में अगर आप रिसर्च करो, आप जॉब वैकेंसीज देखो जाके, आपको पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा जॉब वैकेंसीज हैं। इसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी यू आर गेटिंग फॉर 3 ईयर्स यूएसए में। तो अगर आपको मान लीजिए मास्टर्स करने जा रहे हो, 2 ईयर्स की मास्टर्स है और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको 3 ईयर्स का मिल रहा है, तो आपके पास 5 साल का वीज़ा तो है ही है जी। उसमें आप अपनी जॉब अच्छी मिलती है आईटी वाले बच्चों को। अगर आप साइबर सिक्योरिटी की बात करो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पढ़ते पढ़ते ही सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में इनको जॉब ऑफर आने लगते हैं। जॉब मिल गई तो स्टूडेंट को ग्रीन कार्ड इजीली मिल जाता है, ग्रीन कार्ड के बाद सेटलमेंट प्रोसेस है। तो ऐसा मतलब, और पे स्केल जितना यूएस आपको पे कर सकता है शायद ही कोई कंट्री आईटी में आपको पे कर पाए। बिल्कुल, तो आपने सुना कितने ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जिनको अगर आप समझें तो आपको लगेगा कि हमारे लिए यूएसए सही ऑप्शन है, वहीं हमें अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि मैम ने बताया आईटी कोर्सेज को लेकर, उसके साथ आगे चलकर आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो फिर आप ये मौका ना गंवाएं, अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट ज़रूर करवाएँ कि आप किस कोर्स में कब फटाफट अप्लाई करें और यूएस का वीज़ा हासिल कर सकें। और जानकारी के लिए आप जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले है इस पर कॉल करके भी पूरी जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। नेविगेटर ओवरसीज़ के ऑफिस विजिट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट की जाए और आपको सही ऑप्शंस और सही प्रोसेस गाइड किया जा सके। बहुत बहुत थैंक्स मैम, आज आपने डिटेल में कोर्सेज को लेकर, अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर स्टूडेंट्स को गाइड किया है। आगे भी हम इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।